मुंबई ने स्वच्छता सर्वेक्षण में हासिल किया देश में तीसरा क्रमांक, महापौर और पूर्व सांसद ने किया सफाई कर्मियों का सत्कार। नवी मुंबई महानगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जबरदस्त छलांग लगाते हुए देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। इंदौर पहले जबकि सूरत दूसरे स्थान पर रहा। पिछले साल सातवें नंबर पर रही नवी मुंबई ने लॉकडाउन के बावजूद चार पायदान की छलांग लगाते हुए मुंबई और नागपुर को भी पछाड़ दिया है। 2020 के सर्वेक्षण में महाराष्ट्र का कोई भी शहर टॉप 10 में नहीं शामिल हो सका है। इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए महापौर जयवंत सुतार, पूर्व सांसद संजीव नाइक ने मनपा मुख्यालय में सफाई कर्मियों का सत्कार किया। इस अवसर पर पूर्व मेयर सागर नाइक, सुधाकर सोनाव ने, दशरथ भगत, नेत्रा सिरके, डॉक्टर जयाजी नाथ एवं रामचंद्र घरत समेत कई भाजपा पदाधिकारी मौजूद थे। महापौर जयवंत सुतार ने इस सफलता का श्रेय लोक नेता गणेश नाइक को दिया और इसे लोक प्रतिनिधियों, सफाई कर्मियों और नागरिकों की मेहनत का नतीजा बताते हुए सबके प्रति आभार भी जताया। उन्होंने प्रशासन की सराहना करते हुए विश्वास जताया कि अगले साल हम नंबर 1 हासिल करेंगे। 95 साल से 2020 तक नई मुंबई की जनता ने साधना नेता गणेश जी नाइक साहब का नेतृत्व ये जोखिम दे दी और उस माध्यम से उनका मार्गदर्शन के हिसाब से यहाँ कॉरपोरेशन का लोक प्रतिनिधि करके कामकाज हुआ। ये गर्व इस बात की है कि इस शहर का 2018-19 में 7 नंबर था, आज सातवें नंबर से 19-20 का तीसरा क्रमांक मुझे प्राप्त हुआ है। हर पल गणेश जी नाइक हो, संजीव जी नाइक हो, संदीप नाइक, सागर नाइक, इनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। हमारा हर एक लोक प्रतिनिधि, 111 लोक प्रतिनिधि जो स्वच्छता मुहिम में जुड़े गए थे, हमारा सभापति स्वच्छ सर्वेक्षण का नेतृत्व शक्ति, इनका माध्यम से भी कमेटी का कामकाज शुरू था और प्रशासन और लोक प्रतिनिधि एक हाथ में हाथ मिलाकर ये शहर का गौरव कैसा होएगा, एक तमन्ना थी, आज वो तमन्ना पूरी हो गई है। तीसरा क्रमांक प्राप्त हुआ सातवें नंबर से, निश्चित तौर पे नया मुंबई की जनता इस 2021 को भी लाला नेता गणेश जी नाइक साहब का नेतृत्व स्वीकार करेंगे और 2021 का सर्वेक्षण में ये नया मुंबई महानगर पालिका एक देश का एक नंबर पे जाएगी, ऐसा मैं आत्मविश्वास व्यक्त करता हूँ। वापस में नया मुंबई शहर में जो सफाई कर्मचारी है उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनके माध्यम से कचरा रोड पे कचरा निकालने वाले तक जो लेकर जाने का डंपिंग या की देखभाल करने वाले सभी कर्मचारियों ने भारी संख्या में हिस्सा लेकर एक प्रमुख नंबर प्राप्त हुआ है। आज नया मुंबई का नाम देश में स्वच्छ नई मुंबई इसके माध्यम से प्रथम क्रमांक प्राप्त हुआ है, तीसरा क्रमांक प्राप्त हुआ है, भविष्य काल खंड में एक नंबर प्राप्त होगा।
हमारे साथ। धन्यवाद। वहीं भाजपा नेता दशरथ भगत एवं बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे नवीन भाई करो के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए कहा कि देश में भले ही हम नंबर 3 पर आए हैं, लेकिन क्षेत्रफल, जनसंख्या और सुविधा के लिहाज से हम नंबर 1 पर हैं और आगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में नंबर 1 बनने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये जो नई मुंबई पूरा देश में स्वच्छता में 3 नंबर आ गई है, तो गए साल 7 नंबर थे, तो इसका मैं बधाई देना चाहता हूँ कि प्रथम नई मुंबई की सब नागरिकों का मैं बधाई देना चाहता हूँ। फिर जो हमारे जो कर्मचारी साफ सफाई कर्मचारी सफाई कर्मचारी उनको बधाई देना चाहता हूँ, और विशेष तौर पर मैं इस शहर का जो नेतृत्व जो पालक है गणेश जी नाइक साहब, उनको मैं अभिनंदन और बधाई देना चाहता हूँ। और इसीलिए कि ताकि ये नई मुंबई एक प्लानिंग सिटी है, और ये नई मुंबई वैसा हम जो आज 7वें नंबर से हम 3 नंबर पे आ गए हैं, बड़ी कामयाबी है। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम पहले नंबर पे है, क्योंकि इसका जो भूभाग है उसका जो क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल के हिसाब से जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन से हम बात करते हैं तो जिसको पहला नंबर मिला है उनका पॉपुलेशन और हमारा पॉपुलेशन, हम इतने पॉपुलेशन इतना लोगों को हम लेके जा रहा है, और तो भी हमारे जो शुद्ध लोग हैं जो समझदार लोग हैं उनके माध्यम से जो नए मुंबई को प्रथम जैसे 3rd क्रमांक मिला है, तो ये मैं हमें खुशी है इस बात की, और हम चाहते हैं कि अगले बार अगले साल 2021 में वो 1 नंबर कैसा मिले, क्योंकि ये हमारा सबका सम्मान है, ये नई मुंबई के नागरिकों का सम्मान है, ये महाराष्ट्र का सम्मान है और देश का भी सम्मान है। इतने बड़े तादाद में लोकसंख्या होने के बावजूद 15 लाख के ऊपर लोकसंख्या है हमारे भूभाग का, हम जब क्षेत्रफल देखते हैं तो भी 3 नंबर पे, इसका मतलब हम नंबर 1 पे ही है और 1 पे रहेंगे। लेकिन इतना ही कि हम जो क्रमांक 3 मिला है उसके अंदर हम समाधानी है, लेकिन हम उतना भी समाधान लिए हम 1 के लिए हम प्रयास करेंगे, और जो कुछ कमी है 1 नंबर लाने के लिए जो कुछ कमी है वो कमी है हम यहाँ उसका हम ख्याल करेंगे, विचार करेंगे, लोगों से सजेशन लेंगे, हम मिलके 1 नंबर लाने का हम प्रयास करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तौर से जो आज इलेक्शन हुआ उसमें नवी मुंबई 3rd क्रमांक पर आई है पूरे भारतवर्ष में, एक हमें एनर्जी देने वाला ये पारितोषिक है, हमें अभिमान प्राप्त करने वाला ये पारितोषिक है। इससे नई मुंबई को जो साफ सफाई कर्मचारी है, जो हमारे अधिकारी है, हमारे लोक प्रतिनिधि है, हमारे यहाँ के नेता गणेश जी नाइक साहब है, हमारे यहाँ के नेता आमदार हमदाई मात्रे जी है, कि इनके ये काम का पूरा जो क्रेडिट है ये दोनों आमदार और हमारे पूरे लोक प्रतिनिधि को जाता है और उनके साथ साथ अधिकारी और सफाई कामगार को जाता है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमने कर दिखाया है पूरे भारतवर्ष में। अगली बार हमने 18-19 में हम लोग 7वें नंबर पे थे, आज 19-20 में हम लोग 3rd नंबर पे आए हैं, और मेरे को पूरा विश्वास है अगर ये आगे बढ़ते हुए अगर ये सत्ता हमारे नेता नाइक साहब के हैंडल में रहेगी, हाथ में रहेगी, हमारी आमदार मंदाताई मात्रे ये इनके दोनों के हाथ में रहेगी, तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाला 2021 साल में हम लोग पहले तौर पर पारदर्शन लेंगे। और सारे सफाई कामगार का मैं यहाँ से अभिनंदन करूँगा, सारे अधिकारी वर्गों का मैं अभिनंदन करूँगा, सारे लोक प्रतिनिधि का मैं अभिनंदन करूँगा, और साथ साथ में आप रिपोर्टरों का भी मैं अभिनंदन करूँगा कि आप भी हर पूरे साल में आपने भी कोई अच्छी अच्छी चीज़ दिखाई जिससे कि लोक प्रतिनिधि प्रभावित हुए, जिससे कि पब्लिक प्रभावित हुई और जिससे कि साफ सफाई कामगार प्रभावित हुए, और उन्हीं का ही नतीजा है। और आने वाले टाइम में मैं एक बार और सबको शुभेच्छा दूंगा और आने वाले साल में हम लोग 1 नंबर पे जाएंगे। बता दें कि नवी मुंबई स्वच्छता के मामले में अक्सर नंबर 1 रही है। 100% खुले में शौच से मुक्ति और स्लम इलाकों में सुलभ टॉयलेट जैसी योजनाएं यहां कारगर रही हैं। इसके साथ ही एसटीपी प्लांट और दूसरी सुविधाएं नवी मुंबई को हमेशा अगले क्रम पर रखती रही हैं। उम्मीद है नए आयुक्त अभिजीत बांगर की पहल अगले साल नवी मुंबई को नया मुकाम जरूर दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।